गपशप के आज के एपिसोड में हम एक ऐसे व्यूअर से मिलेंगे जो हाल ही आउट ऑफ इंडिया सेटल हुए हैं और इसीलिए हम उसे स्काइप के द्वारा वीडियो कॉल में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं वो आज क्या पूछना चाहते हैं। हाय हाय, मेरा नाम प्रियंका है। मैं रिसेंटली यूएस मूव हुई हूँ। ओके, मुझे ये मेरे बैंक अकाउंट्स को मैंने ऑलरेडी NRI कन्वर्ट कर दिया है। ओके, बट मुझे और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड और किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ये आप मुझे बता सकते हैं? हाँ हाँ, जरूर। सो आपके पास कोई फिक्स डिपॉजिट्स या म्यूचुअल फंड्स है, किधर और भी आपने इन्वेस्ट किया है? किया है। हाँ, सो आपको वो सारे जगह में भी आपका KYC अपडेट करना पड़ेगा। वहाँ भी आपको आपका NRI डिक्लेरेशन का एक फॉर्म आता है, यानी आपको एक फैट का फॉर्म भरना पड़ेगा एंड साथ ही आपको आपका NRI स्टेटस वहाँ डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो ये दो चीज़ों का आप ध्यान रखना और वो अपडेट जितना जल्दी हो सके आप अपडेट करवा दीजिए। थैंक यू, मैं मेरा KYC जरूर अपडेट करवा दूंगी जल्द से जल्द। मुझे एक बात बताइए, इसके सिवा मुझे और किन चीज़ों का और ध्यान रखना चाहिए? हाँ, तो जैसे आपने इन्वेस्टमेंट्स आपका इंडिया में भी है, जैसे आपके म्यूचुअल फंड्स और फिक्स डिपॉजिट्स अभी भी आप इंडिया में एक्टिव है, सो उस हिसाब से आपको इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल यहाँ आगे करते रहना पड़ेगा। इंडिया में भी आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस तो जरूर होगा, वैसे ही आपको US में भी हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। सो ये दो चीज भी आप ध्यान रखिए और इसे भी आप जल्द से जल्द ले लीजिए। थैंक यू, आपने इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपने मुझे दिया है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आप हमें आपके फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं या फिर moneygupshup@gauravmashruwala.com पे भी ईमेल कर सकते हैं।